राजस्थान का भूत। शहर शहर बवाल। आज बेनकाब होगा चोटी कटवा भूत। एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? दहशत की जिस कहानी ने 5 राज्यों में कोहराम मचा दिया है, आज उस कहानी का एक बहुत बड़ा सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक झूठी कहानी चोटी काटने वाले भूत प्रेत और चुड़ैल की अफवाह में तब्दील हो गई और फिर शहर शहर में मच गया बवाल। आज बेनकाब होगा चोटी कटवा भूत। वो भूत जो करीब 2 महीने पहले खौफ की कहानी बनकर राजस्थान से निकला था और अब दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अनगिनत महिलाओं को डरा रहा है। कोई कहता है वो अदृश्य है, वो हवा के झोंकों की तरह आता है और महिलाओं की चोटियां काटकर भाग जाता है, तो कोई कहता है कि काली बिल्ली के भेष में आती है चुड़ैल और वो महिलाओं के बाल काटकर पल भर में ही हो जाती है गायब। रहस्य की इस कहानी में कई गिरहे हैं, कई सवाल हैं और उन तमाम सवालों को शिकार बनी महिलाओं की खौफनाक आपबीती ने और भी गहरा कर दिया है। शहर शहर बवाल मचा है, लोग दहशत में डूबे हैं, खौफ इतना बढ़ गया है कि लोग उस अनजाने अनदेखे भूत और चुड़ैल से बचने के लिए पूजा पाठ के साथ ही टोने टोटके का सहारा भी ले रहे हैं। कहीं घर के बाहर प्याज लटक रहा है, कहीं हाथों में हल्दी लगाकर पंजों के निशान लगाए जा रहे हैं, कहीं दरवाजे पर नीम की टहनी और पत्ती लटक रही है, तो कहीं गंडे और ताबीजों से खुद को महफूज रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी दहशत की यह कहानी पीछा नहीं छोड़ रही है। हर दिन सामने आ रही है किसी न किसी महिला की चोटी कटने की दास्तान और अब खौफ की इस कहानी ने महिलाओं का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, चोटी कटवा भूत का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। लोग बेहद डरे हुए हैं, बेहद सहमे हुए हैं, लेकिन अब डरना मना है। जी हां, सनसनी में आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा। आज हम आपको दिखाएंगे खौफ की इस कहानी का पूरा सच। आज हम आपको दिखाएंगे चोटी कटवा भूत का वो सच जो आपकी आंखें खोल देगा। रहस्य की जो कहानी इन दिनों अनगिनत लोगों को डरा रही है, आज उसके सच को जानकर आप फिर कभी नहीं डरेंगे और ये सच आप तक लेकर आए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी। जी हाँ, जिस चोटी कांड से शहर शहर कोहराम मचा है, जिस चोटी कांड से लोग खौफ में डूबे हैं, जिस चोटी कांड की वजह से महिलाएं अपने घर में भी खुद को महफूज नहीं महसूस कर रही हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ने उसकी तह तक जाने के लिए जब अपनी पड़ताल शुरू की तो पता चला ऐसी घटनाओं का सिलसिला राजस्थान से शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली और यूपी से होते हुए मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चोटी कटने की वारदात सामने आने लगी। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी को जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर शहर में शिकार बनी कुछ महिलाओं का पता ढूंढ निकाला और फिर सच के खुलासे के लिए उनसे मिलने के लिए निकल पड़े।
देश के कई राज्यों में महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं इस वक्त जोरों पर हैं। आपको बता दें, राजस्थान के कई जिलों में कुछ महीने पहले ये घटनाएं दर्ज हुई थी। जोधपुर भी उसमें से ही एक ज़िला था। इसमें कई जगहों पर ऐसी घटनाएं थीं जिसमें महिलाओं के बाल काटे गए। अभी क्या हैं हालात और वो उस वक्त किस तरह से घटनाएं हुई थी, क्या डर का माहौल बना हुआ था और क्या इसका कोई आपराधिक पहलू है, इन तमाम चीज़ों की हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उस वक्त हुआ था। चोटी कांड के सच की तलाश में एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर जिले के चोखा गांव पहुंचे। दरअसल 25 जून को यहां रहने वाली एक महिला सुमन ने लोगों को अपनी खौफनाक आपबीती से थर्रा दिया था। तब सुमन ने लोगों को यह बताया था कि रात 8 बजे बर्तन धोकर जब वो किचन में जा रही थी, तभी किसी शैतानी आत्मा ने उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया और जब उसे होश आया तो पता चला कि उसकी चोटी कट गई है। राजस्थान के जोधपुर में एक चोखा गांव है। चोखा गांव में एक परिवार रहता है। इस परिवार की जो महिला है सुमन, उनकी 25 जून को चोटी काट ली गई थी, उनके सिर के बाल काट लिए गए थे। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं, लेकिन हम आपको पहले दिखा दें कि जो घटना थी वो किस तरह से हुई थी। वो दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ से वो बर्तन धोकर निकली, ये जो आप टंकी देख रहे हैं ये, और यहाँ से जैसे ही वो बर्तन धोकर अपने जो अंदरूनी हिस्सा है घर का वहाँ बढ़ रही थी, लेकिन ठीक इसी जगह पर वो अचानक से गिर जाती हैं। अब इससे आगे की घटना खुद सुमन हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। और जो ये बताइए सुमन जी, बाल आपके सिर के काटे गए थे, पहले बताइए कि हुआ क्या था। ये हम खाना खाने के बाद बर्तन धोने के लिए गए थे, बर्तन धो के वापस घर में आ रहे थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा पता नहीं चला कि समझो पीछे से कोई धक्का दिया या क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है। उधर से बर्तन लेके आई, यहीं पे गिरी मैं। अच्छा। इतने हमारी मम्मी जी आई, उसको पता चल चुके थे कि मैं नीचे गिर चुकी। ठीक है। फिर हमारी देवरानी जी को बुला के लेके आए, फिर दोनों सास बहू मुझे उठा के घर के अंदर लेके गए। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैं देवरानी को बोले कि मेरे सर में दर्द बहुत तेज हो रही है। अच्छा। फिर वो क्या दवाई लगा रही थी। हाँ। तो उसकी नजर गई, जो उसको पता चला कि भाभी जी के बाल काटी हुई। कहाँ से बाल काटे हुए, अगर आप अभी दिखा सकते हैं। अच्छा। जोधपुर के चोखा गांव की रहने वाली सुमन ने एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी को जो कहानी सुनाई वो बेहद डरावनी थी। और इस डरावनी कहानी की तस्दीक के लिए जावेद ने सुमन के घर वालों से बात की तो उन लोगों ने भी खौफ की इस कहानी की पुष्टि की। पहले हम दूसरी जगह सुनते थे, न्यूज़पेपर में देखते थे कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो अंधविश्वास लगता था कि नहीं ये क्या है, हवा की तरह है। लेकिन अब जब घर में बीत गई है तो ऐसा डर लगता है कि हाँ ये असल में हुआ है, तो इस वजह से अब शाम को बाहर नहीं जाते। तो यहाँ तो माहौल हो गया ऐसा कि 500-700 जने इकट्ठे हो गए और गाँव में डरावना सा हो गया। मतलब 2-4 दिन तो लोग निगरानी के लिए बैठ गए, मतलब कि कोई रात को आ नहीं जाए। निगरानी भी की। सुमन और उसके घर वालों ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि घटना वाले दिन उनके घर में एक काली बिल्ली भी दिखाई दी थी जो उससे पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। घर वालों को लगता है कि उसी काली बिल्ली के वेश में कोई शैतानी आत्मा आई थी जिसने सुमन के बाल काट दिए। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ने जब इलाके के लोगों से इस घटना की बाबत बात की तो कहानी कुछ और ही निकल करके आई। तक हम दूसरी जगह सुनते थे ओनली, लेकिन जब यहाँ हुआ तो हमें पता चला कि नहीं हो सकता ये असल ही है। लेकिन कुल मिलाकर इन बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके जो बाल कटे हैं वो थोड़े से बचे ऊपर, इसका मतलब जैसे जेब कतरे होते हैं जिनके नाखून में ब्लेड्स होती है, जिस तरह से हाथ की कारीगरी होती है उसी तरह से इनके बाल को काटा गया, तो ऊपरी हवा का असर हो नहीं सकता। ये किसी के करतूत हो सकती है, ये एक मतलब क्रिमिनल हो सकता है या कोई, इसको लगता है इसमें कोई क्राइम एंगल है। क्राइम एंगल बिल्कुल है, कोई साइको या किसी का ऐसा हो सकता है जिनका मतलब ये चल रहा हो। इलाके के कुछ लोगों ने एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी को बताया कि सुमन चोटी काटने वाली जिस शैतानी आत्मा की कहानी सुनाकर लोगों को डरा रही है वो कहानी सच्ची नहीं है। लोगों को अंदेशा है कि सुमन के बाल कटने के पीछे साजिश की कोई कहानी हो सकती है।
एक अंदेशा ये भी है कि सुमन के बाल किसी आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स ने बड़े ही शातिराना अंदाज में काट दिए हैं, लेकिन वो कौन है ये सबसे बड़ा रहस्य है। इस बाबत सुमन के घर वालों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन लंबी तहकीकात के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जिस जून को शाम को 8 बजे शिकायत मिली गई महिला के चौका गांव में बाल काट दिए गए। सुमन नाम की महिला थी, 40 साल उम्र थी। तो वहां पर मौके पे पहुंचे तो उसने बताया कि मैं यहां गांव घर पे थी, मेरी सासू भी यहां घर में थी, चलते हुए नीचे गिरी, वापस उठी लेकिन तो मेरे सिर के बाल कटे हुए मिले और वहाँ पास में एक बिल्ली थी, वो भी बाद में वहाँ से भाग गई। इस वाले मामले की जाँच कहाँ तक पहुँची है, क्या इसमें कुछ अभी कुछ क्लू मिल पाया किसी तरह? अभी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। इलाके की पुलिस का भी यही कहना है कि सुमन की चोटी कटने की वारदात के पीछे अपराध की ही कोई कहानी है, लेकिन जब तक पुलिस उस कहानी का पर्दाफाश नहीं कर देती, सुमन और उसके परिवार वाले वहम के भूत से डरते रहेंगे। जोधपुर के चोखा गांव में चोटी कांड की शिकार बनी महिला सुमन से मिलने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी लोहावट इलाके में एक दूसरी महिला रेशमी से मिलने के लिए पहुंचे। रेशमी ने भी इलाके के लोगों को बताया था कि जब वो रात में सो रही थी तभी एक चुड़ैल ने उसके बाल काट दिए। गांव के कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए जब जावेद रेशमी के घर पहुंचे तो रेशमी के पति गिरधारी ने बताया कि रेशमी मायके गई हुई है। रेशमी की गैर मौजूदगी में रेशमी का पति गिरधारी घटना की बाबत कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं था। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद रेशमी के देवर जगदीश बातचीत के लिए राजी हुए। उसने बताया कि 22 जून की रात जब घर के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तभी रेशमी की चीखने की आवाज आई और फिर पता चला कि किसी ने उसकी चोटी काट दी है। हम बैठे थे बाहर, बैठे थे अंदर सो रहे थे, तो करीब 1:15 पे ये घटना हुई थी। तो हम दौड़ के अंदर गए तो मेरे कुछ दिखा ही नहीं। अच्छा। तो मैंने अधीर से देखा था, घर के पीछे गया था, कोई पैर वगैरह मेरे को कुछ दिखा ही नहीं। ठीक है। आधा घंटा ये बेहोश रही थी और शांत होकर सो गई थी। ये कैसे पता चला कि इनके बाल कटे हुए हैं? ये तो देखा था मैंने, बाल यूं घंटी जली ना यूं। हाँ। तो बाल मेरे वो हाथ में आ गए थे। बाल अलग कटे? हाँ, अलग कटे हुए थे। आपको मिल गए थे? हाँ, हाथ वाथ मिल गए। रेशमी के देवर जगदीश के मुताबिक चोटी कटने की घटना के बाद रेशमी इतना डर गई थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत बेहद बिगड़ गई थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी उस डॉक्टर से भी मिले जिन्होंने रेशमी का इलाज किया था, और फिर डॉक्टर ने जो खुलासा किया उसने एक पल में ही चोटी काटने वाले भूत का सारा सच सामने ला दिया। रेशमी का इलाज करने वाले डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई की माने तो इलाज के दौरान जब इन्होंने रेशमी की काउंसलिंग की तो रेशमी ने बताया कि उसकी चोटी किसी भूत या चुड़ैल ने नहीं काटी, बल्कि अपनी चोटी उसने खुद ही काट ली थी। डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई के मुताबिक रेशमी ने ऐसा घर से नौकरी के लिए गए हुए अपने पति को वापस बुलाने के लिए किया था, जो काम के सिलसिले में इतना व्यस्त हो गया था कि लंबे अरसे से घर ही नहीं लौटा था। ये जो चीज सामने आई कि उसने अल्टीमेटली स्वीकार किया कि मैंने बाल जो है खुद ने काटे हैं। तो उसने बाल क्यों काटे, क्या बताया जा रहा है, किस वजह से? पति उसका घर पे था, बाहर था? हाँ, पति का भी टाइम से मतलब बाहर था और घर पे जो है उसकी जो मजदूरी करने गया होता है और वो उसकी फ्रीक्वेंसी घर पे थोड़ी कम होती है। अच्छा। तो उसमें फिर क्या है, पति का ध्यान जो है अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए और उसको रिजाइन के लिए या इस तरह की जो परिस्थिति पैदा करने के लिए कि वो घर पे है, वो थोड़ा फ्रीक्वेंटली आता रहे, ये भी एक कारण शामिल था, स्पष्ट कारण यही था। सरकारी डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई ने एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी को जो बताया उसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई के दावों की पुष्टि जरूरी थी। मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी नजदीकी थाने भी गए।
थाने से पता चला कि रेशमी की चोटी कटने की वारदात के बाद पुलिस वालों ने भी इस मामले की जांच की थी, और तब जांच के बाद पुलिस वालों को भी यही पता चला था कि रेशमी ने ही अपने पति गिरधारी को घर वापस बुलाने के लिए अपनी चोटी खुद ही काट ली थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जिस रात इस महिला के बाल कटने की खबर आई, अगले दिन परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर्स की काउंसलिंग में महिला ने ये बात कबूल की कि उसने अपने बाल खुद ही काटे हैं, और उसने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि उसका पति गिरधारी पिछले एक महीने से घर पर नहीं था। मकसद साफ है कि महिला ने बाल इस वजह से काटे कि महिला के बाल कटने की खबर जब उसके पति तक पहुंचे तो वो घर वापस आ जाए। जोधपुर के चोखा गांव में खुद को शैतानी आत्मा की शिकार बताने वाली सुमन की कहानी को इलाके के लोग ही झूठा बता रहे थे। पुलिस भी यही कह रही थी कि सुमन की कटी चोटी के पीछे भूत नहीं बल्कि साजिश की कोई कहानी है, लेकिन हमारी तहकीकात यही खत्म नहीं हुई। सुमन से मिलने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता एक दूसरी पीड़ित महिला से मिलने जोधपुर के लोहावट इलाके में पहुंचे, और वहां जो खुलासा हुआ उसने चोटी कांड के भूत का सारा सच सामने ला दिया। जोधपुर के लोहावट में खुद अपनी चोटी काट कर लोगों को चुड़ैल की कहानी सुनाने वाली रेशमी का सच बेपर्दा हो चुका था। हम ये जानकर हैरान थे कि रेशमी ने लंबे अरसे से घर नहीं लौट रहे अपने पति को बुलाने के लिए ये नाटक किया। उसने खुद अपनी चोटी काटी और फिर ये अफवाह फैला दी कि उसकी चोटी रात में सोते वक्त चुड़ैल ने काट दी। लेकिन हमारी तहकीकात यहीं खत्म नहीं हुई। राजस्थान के इस चोटी कटवा भूत के सच के खुलासे के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जोधपुर के फलौदी इलाके पहुंचे। यहां जावेद की मुलाकात हुई मांगी देवी नाम की इस महिला से। मांगी देवी ने बताया कि 18 जून को जब ये रात में सो रही थी, उसी वक्त किसी शैतानी आत्मा ने उसकी चोटी काट दी। यही नहीं, उसने उसके पेट पर त्रिशूल और बिंदी के निशान भी बना दिए। मैं सुबह उठी, फिर बाद में गाय को स्नान कराया, चाय बनाई, उसके बाद में रोटी बनाई, बाद में मैं लड़कियाँ उठी, तभी मैं बिस्तर समझने के लिए गई थी, तभी बाल की चोटी पड़ी थी, फिर बाद में मैं मासी उठ गई, जोर जोर से चिल्लाई, तब भी सभी लोग आ गए थे। अच्छा, बाल मिलने के बाद आप चिल्लाए, कितने बड़े बाल रहे होंगे? एक चोटी में से कटे हैं, बता। एक बाल होता। तो ये आपके पेट पर बता रहे हैं कि बिंदिया और त्रिशूल बनाया गया था, फिर बाद में मैंने मेरी लड़की को दूध चुनाने के लिए दिया था, तभी उसे त्रिशूल और बिंदिया दिखी मेरी को। मांगी देवी ने एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी को प्रमाण के तौर पर अपनी कटी चोटी और पेट पर बने त्रिशूल और बिंदी के निशान भी दिखाए। उस वारदात के करीब दो महीने बाद भी जिस तरह से मांगी देवी ने ये सारी चीजें संभाल कर रखी हुई हैं, वो कई आशंकाओं को जन्म दे रहा था। सबसे बड़ी आशंका तो यही थी कि कहीं मांगी देवी ने लोहावट की रेशमी की तरह खुद ही अपनी चोटी तो नहीं काट ली। और अब जरा आप मांगी देवी की इस चित्रकारी को देखिए। त्रिशूल और बिंदियों की यह चित्रकारी मांगी देवी ने एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी के कहने पर की थी, और अब आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर मांगी देवी के पेट पर बनी बिंदी और त्रिशूल की है, जिसके बारे में उसका कहना है कि चोटी काटने के बाद किसी शैतानी आत्मा ने ये निशान बनाए थे। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मांगी देवी ने एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने बनाई थी, और इसमें बना त्रिशूल हूबहू उसी त्रिशूल की तरह है जिसके बारे में मांगी देवी का कहना था कि ये शैतानी आत्मा ने बनाए हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेशमी की तरह ही मांगी देवी ने भी खुद ही अपनी चोटी काट दी और फिर पेट पर त्रिशूल और बिंदी का ये निशान बनाकर मामले को शैतानी आत्मा की कहानी से जोड़ दिया? सच क्या है?
इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी इलाके के थाने भी गए। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जोधपुर में चोटी कांड की कहानी सामने आई थी, लेकिन जांच करने के बाद ज्यादातर मामले फर्जी निकले। मांगी देवी की ये कहानी भी सवालों के घेरे में है। मांगी देवी के मामले में हमने पुलिस से बात की। पुलिस का कहना है कि उन्हें फोन पर इत्तला मिली कि किसी महिला के बाल काटे गए हैं, लिहाजा वो फोन के आधार पर ही मौके पर गए, लेकिन परिवार की तरफ से इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली जिससे इस मामले की जांच की जा सके। लेकिन पुलिस मानती है कि इस तरह के मामले पूरी तरह से अंधविश्वास के आधार पर होते हैं। क्या भूत काट रहा है महिलाओं की चोटियां? जोधपुर में एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो खुलासा हुआ वो कहानी यही कहती है कि चोटी कांड के पीछे किसी भूत प्रेत की नहीं बल्कि अफवाहों की कहानी है। और अब देखिए बीकानेर में हमारी पड़ताल के बाद क्या खुलासा हुआ। कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? क्या इस चोटी कांड के पीछे किसी भूत प्रेत या शैतानी आत्मा का प्रकोप है, या फिर इसके पीछे है साजिश की कोई कहानी? एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी जब इसकी पड़ताल के लिए बीकानेर गए तो वहां एक महिला उमा ने भी अपनी डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वो छत पर सो रही थी तभी किसी ने उसकी चोटी काट दी। उमा और उसके परिवार वालों को लगता है कि ये सब कुलदेवी के प्रकोप से हुआ है, लेकिन इलाके की पुलिस ऐसी बातों को मनगढ़ंत किस्सा बताती है। चोखा में महिला के दावे के उलट पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में इस मामले को पूरी तरह से फर्जी पाया। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि इस थाना इलाके के अलग अलग क्षेत्रों से और भी इस तरह के घटनाएं सामने आई थी जहां पर लोगों ने बाल काटने की बात कही थी, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा तार्किक सबूत नहीं मिला जिस पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, बीकानेर, राजस्थान। भूत प्रेत दरअसल ये सब मन के वहम है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग चोटी कांड के पीछे भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं समझ लीजिए कि वो अफवाह फैलाकर लोगों को डरा रहे हैं। ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसी अफवाहों से बच कर रहिएगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।